आज हमारी पूरी पार्क खाली खाली नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि आज जो है ना सुबह से बारिश लगी हुई है। कितना प्यारा मौसम हो गया, लेकिन सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो गई है। परिंदों को आज हमने बाहर नहीं निकाला, अंदर ही दाना डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो चलते हैं हम ना अपने फूल नीचे जाके देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को भी। तो नीचे चलते हैं। हुई 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 इसे ठीक कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर ना सारे जो हाँ ये वाले कलर मैं अलहदा अलहदा लेके आया था, 1 2 3, ये वाला 4 5 और ये 6। ये सारे एक ही नस्ल के थे, सारे ख़राब हो गए। इनको ना तोड़ के नीचे तो लगाना नहीं, क्योंकि जो हमारी मुर्गियाँ हैं ना इन्होंने ख़राब कर देने। इनके लिए हम ना अलहदा से ला के ना कोई चीज़ यहाँ पे लगा देंगे और ये सारे इसके अंदर लगा देंगे। बाकी सारे फूल माशाल्लाह से हमारे ठीक हैं। ये भी ठीक है, ये भी नहीं, ये भी निकाल देंगे। ये भी ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक है। ये वाले 5 6 जो है ना ये हम निकाल के उस साइड लगा देंगे। नीचे चलते हैं, उनको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। बारिश फिर से तेज़ हो गई उस साइड से, ऊपर से मैं आया हूँ नीचे वीडियो बनाने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी देर इन सबको खोल देते हैं, बारिश रुक गई और फिर से क्या कर सकते हैं, तो क्या काम करते हैं। ये जी मैंने कल इसमें थे हमारी लावा के अंडे, लावा की ब्लैक मुर्गी के। तो वो कल हम जो है ना हमने अंडे जो है ना वो किसी भाई को दे दिए। उसकी मुर्गी जो है वो बैठी थी अंडों पे, तो वो वाले अंडे हमने 4 थे वो उसके नीचे रख दिए। और बारिश फ़िलहाल बड़ी तेज़ हो गई है। इन सब के लिए ना खाना वैसे नीचे वालों के लिए तो पड़ा है, ऊपर वालों के लिए नहीं है। तो चलते हैं बाज़ार से, तब तक खाना ले आते हैं, हो सकता है तब तक बारिश रुक जाए। तो बाजरा और ये हमने खरगोशों के लिए ले लिया। अब बस ना जो हमारे तोते हैं ना उनके लिए हमने लेने हैं अमरूद, सामने रेडी खड़ी यहाँ से लेके फिर चलते हैं। बारिश भी थोड़ी थोड़ी रुक गई और उनको डालते हैं। इन दोनों की भी सही मौजें हैं। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है और इनको कोई ज़रा भी परवाह नहीं। बारिश में ये नहा रही थी, कल इन पे मैंने पानी फेंका और ये ना बेशर्मों की तरह मज़े से नहाने लग गई। अभी ये जा रही हूँ उस साइड पर, ये खुद को देख के ना इतनी ज़्यादा आवाज़ें निकालती हैं और जैसे किसी और को देख लेना ये बोलना शुरू हो जाती हैं। और रात को भी ये सारी रात ये इधर ही बैठती हैं बाहर, कोई सर्दी नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता इनको। और एक टाइम था जब हम इनके आगे आगे होते थे, ये लंबी गर्दन कर लेनी और पीछे लग जाना। और आज बतखें भी भाई डरपोक आ गई हैं, कैसे भाग रही हैं आगे 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 आगे। बच्चू बदला पूरा हो गया ना, बचपन में रोका था ना पंगे लेना, बचपन में जी इन्होंने बड़ा हमें डराया, बड़ा तंग किया, आज हमारी बारी। तो फिलहाल इनको उस साइड पे ले जाते हैं, दाना मैं ले आया हूँ, पानी में डाल के इनको दाना भी रख देते हैं, खा लेती हैं। बाकी को भी बाहर निकाल देते हैं, बारिश रुक गई। ओए निकल आओ निकल आओ, इसे क्या हो गया। आजो 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 आ जाओ, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लड़ाइयाँ शुरू, शोर शुरू। एक तो इनको इतनी गंदी आदत है, सब इकट्ठा देख लेना तो लड़ाइयाँ शुरू। ओए चलो चलो चलो, सारी इन्होंने तबाही कर दी। अब किसी की हिम्मत नहीं होनी उस तरफ चले जाएं, क्योंकि वो जो हमारे डायनासोर हैं ना उधर बैठे हैं। मॉन्स्टर भी डर के, मॉन्स्टर भी भाई अब यहाँ से ना बाहर निकलना, इनको भी पता चल गया कि किस साइड पर जाना है। और ये देखें वही काम, ज़रा सा ठीक हुआ है फिर से वही काम शुरू, फिर से लड़ाइयाँ शुरू। ज़रा सा भी ठीक होता है ना वही काम शुरू, लड़ाई पे लड़ाई। दाना जो हम लेने गए थे वो दाना तो हमें मिला नहीं, जो हमने तोतों के लिए लेना था वो मिलेगा दीपालपुर से। जब हम गए ना दोबारा दीपालपुर चक्कर लगा तो हम ले आएंगे। फ़िलहाल जो ये वाला दाना है ना ये हम ले आए हैं और ये ठंडा पानी पी जा रहे हैं। इन्होंने बीमार हो जाना, पानी इनको अभी नहीं डालना, पानी हम इनको घर से गर्म ला के डालें। चुप, ये वाला दाना हमें मिला है बाजरा, यही ले आए हैं, ये फिलहाल इनको डाल देते हैं। चुप, दाना इनको डालते हैं, अंदर वालों को भी इनको भी डाल देते हैं, क्योंकि ना हो सकता है कि दोबारा से बारिश शुरू हो जाए। बादल अभी भी वैसे हैं ऊपर, तो जल्दी जल्दी इनको खिला पिला के दोबारा से बंद कर देते हैं। कबूतरों को नहीं खोला, इनको भी खोल देते हैं।
जैसे परिंदों को बाहर निकाला है बारिश शुरू, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं इनको बंद भी नहीं कर सकता बेचारे। कोई किस साइड पे जा रहा है, कोई किस साइड पे जा रहा है, कोई किधर भाग रहा है, वो सारे इस ना पार्क में भाग रहे हैं। बस अब ये ना जल्दी जल्दी अपने घरों में वापस चले जाएं। अभी मैं निकाल के इधर ही आया हूँ, फिर से पीछे से बारिश तेज़ शुरू हो गई है। अब मैं भी नहीं उस साइड पर जा सकता। अभी अभी बारिश रुकी है तो मैं आया हूँ, हमारा सामान उधर ही पड़ा है, मैं वैसे ही रख के भाग गया था। जैसे ही मैंने इन सबको खोला, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई, मैं तो उस तरफ भाग गया और ये सारे बेचारे ना गीले हो गए, अंदर भी नहीं जाया गया, इनसे पता ही नहीं चला। कुछ यहाँ पे छुप गए थे, कुछ उधर छुप गए थे। तो अब ना जल्दी जल्दी क्या करते हैं, सारा खाना जो है ना इनका सामान अंदर ही रख देते हैं और इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि मौसम वैसे का वैसा ही है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये वैसे भी इन्होंने खा लिया है, इनको सबको बंद कर देते हैं, अंदर इनका ना दाना रख देंगे, वो वाला दाना फिर मैं वापस आके ना इन वाले केज में डाल दूँगा, ऊपर वाले तोतों वाले केज में। कबूतर भी गीले होंगे, लेकिन उसमें लाइट आया, इन तीनों में लाइट नहीं लगाई थी, लेकिन वो उसकी वजह से ना ऊपर वाली सारी लाइट्स भी है ना जो ख़राब हो गई। तो अभी मुझे बाज़ार जाना है, एक और छोटा सा काम करना है, फिर वापस आके ना इन सबको जो बंद कर देंगे और दाना भी अंदर रख देंगे। तब तक उम्मीद तो है ये खा लेंगे, पानी पुनी इन्होंने पी लिया। इन बेचारों के बिना कल दो पार्टनर चले गए अंदर देखने, ये तो ठीक है, ये सारे ठीक है। कल वाला जो दिन था ना, खैर गंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन बुरा दिन था। इन दोनों के दो पार्टनर चले गए, थे भी छोटे छोटे, और उन दोनों को यहाँ पे हमने दफन कर दिया था, वो भी जगह कहीं बिल्ली तो नहीं निकाल के ले गई। नहीं जी, ये दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़ के चले गए इनके गम में। खैर कोई बात नहीं, इनको आज नहीं खोलते क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। ये वाले दोनों अमरूद जो है ना, हम अपने ये वाले तोतों को डाल देते हैं क्योंकि बाकी वाले तो खाते नहीं, इनको रख देते हैं अंदर। कल वाला केला वैसे का वैसा पड़ा है, और ये अमरूद इन्होंने खा लेने। क्या मसला है, इससे तो कुछ ज़्यादा ही मसला है। इनको आए हुए बिना काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 दिन तो हो गए होंगे, पता नहीं इनको क्या मसला है, क्यों नहीं ठीक हो रहे। जब भी कोई नज़दीक आता है उड़ना शुरू कर देते हैं, अंदर लगते हैं, ज़ख्मी कहीं ऐसा ना हो कि ज़ख्मी हो जाएं। तो क्या करना चाहिए, मेरा तो दिल है कि इनको ना हम आज़ाद कर दें, या फिर ऐसे करते हैं कि 2-3 दिन और देख लेते हैं, अगर ये यहाँ पे ना एडजस्ट ना हो पाए। तो ये वाला जो केज है, इसमें 4 ही हैं ऑस्ट्रेलियन जो है, वो निकाल के हम इस साइड पे कर देंगे, और ये वाले जो दोनों हैं ना निकाल के बड़े केज में कर देंगे, ताकि ये ईज़िली अंदर एडजस्ट कर सकें। नहीं तो हम क्या करेंगे कि उड़ा देंगे इनको। क्या हो गया, चुप चुप। और इस साइड वाले कबूतर सारे बाहर निकले हुए हैं, किधर गए, वो हो रहे उड़ रहे हैं। तो इस साइड पे आज चक्कर नहीं लगाते, सुबह जाएंगे पानी देख लेंगे, कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। ये अभी आधे बाहर निकले हुए हैं, और ये हमारी रही बत्तखें जो पानी के पास बैठी हुई हैं। तो इन बेचारों के साथ तो वैसे बहुत बुरा हुआ, जब बारिश आ गई थी सारे, कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। अभी इनके जो इन दोनों के जो ना नीचे ये पजामे से पहने हुए हैं इन्होंने, पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो भी गीले हो गए हैं, अंदर बल्ब भी नहीं है, तो इनको बंद कर देते हैं, बाकी सबको खुला रहने देते हैं। आप सब लोगों ने बताना है कि हम ये वाले जो तोते हैं ना हमारे सबज, वो फिर से वही काम शुरू, फिर से वही। तो आपने बताना है कि इनको हम उस केज में शिफ्ट कर दें, या इनको आज़ाद कर दें, फिर जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर देंगे। कोई और अगर इनको आज़ाद किया, तो फिर यहाँ पर हम ना कोई और इन जैसे ले आएंगे। ओए बस करो बस करो। बाकी जो ये वाले हमारे हैं ना, इनका क्या नाम है, लव बर्ड, ये तो अंदर चले जाते हैं अपने बॉक्स में, और आराम से भी बैठते हैं। अभी वैसे आज ये दोनों बाहर आए हुए हैं, अंदर भी देखेंगे 2-3 दिन तक अंडे दिए हैं कि नहीं। ये भी हमारा इंतज़ार कर रहा है बाहर आने के लिए। आजो आजो, इसको यहाँ पे पानी में रख देते हैं। बाकी सारे अब फिर से बाहर आ गए हो, फिर से बाहर आ गए हो, नहीं सुधरना। अंदर इन्होंने ना खा खा के हर चीज़ ख़त्म कर दी, अब बाहर आ गए। चलो 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 लाइन में सारे। और इस साइड पे आज परिंदे ही परिंदे हैं, इनको ना आज सारा दाना पड़ा है, और बारिश का भी मौसम है। अभी उड़ा के देखते हैं कितने ज़्यादा सारे हैं, और माशाल्लाह से ना प्यारे भी बहुत लगते हैं। इनको देख के मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, बचपन में ना मैं क्या करता था, हम इनके लिए ना जाल ट्रैप सा लगा देते थे, जिसे हम कहते थे, क्या कहते थे, फाई।
तो जो दाने रख देते थे अंदर और ऊपर जो है ना कोई बर्तन रख देते थे, जब जैसे ये आते थे हम खींच लेते थे, रस्सा पकड़ लेते थे। ज़्यादा को तो हमने ज़िबा करके खा लिया था, तब खाते थे, अब तो बड़ा अजीब लगता है। तो आज मेरा दिल था कि इनको फिर से पकड़ा जाए, लेकिन खैर छोड़ते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, इंजॉय करें, मौसम भी ठंडा है। और फिर से चलो 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 चलो, चल भाई चल, तू किधर बाहर आई हुई है, चल 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 चल। दाना इनके लिए यहाँ पे रख देते हैं, ये खा लेंगे और बाकी देख लेते हैं। सारे पूरे ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ना बड़े आराम से अंदर चले जाते हैं। और ये सारे इतना इन्होंने मुझे तंग करना है। अभी ये मोबाइल जो है ना मैं इस साइड पे इधर रख दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने मुझे पूरी पार्क में ये सारा जगह यहाँ पे कोई किस साइड भाग जाता है, कोई किस साइड भाग जाता है, तो इन्होंने मुझे कितना तंग करना है। इन सबको बंद कर दिया, कबूतरों को इनको बंद करते हैं और साथ आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह मुझे डेली तंग करते हैं। आज वैसे इन्होंने कोई इतना ज़्यादा ख़ास तंग नहीं किया, हो सकता है इनको पता चल गया हो कि जी हमारी वीडियो बन रही है और हमारी जो है ना इंसल्ट हो सकती है, इसीलिए अंदर चले गए हों। सबको बंद कर दिया अच्छे से, दाने भी अंदर रख दिए हैं, लाइट जो है ना चली गई है, लाइट कभी आती कभी चली जाती, तो खैर अच्छे से हमने बंद कर दिया। और यहाँ पर मुझे एक अनार नज़र आया जो मुझे लगता है कि ठीक है, इसे ना उतार के देखते हैं और फिर चलते हैं हम। एक तो ऊंचा बहुत है, अनार उतारा है खाने के लिए। और जी अंदर से देखें, इसीलिए मैं गैलरी के पीछे हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, अंदर से सफाया कर दिया है, प्रैंक हो गया। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो कोई अच्छी नहीं बनी, खैर माजरत। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं सुबह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।